WHO के अनुसार दुनिया में 36 करोड़ लोग हियरिंग लॉस की समस्या से जूझ रहे हैं. डिसेबलिंग हियरिंग लॉस इज डिफाइंड एज एडल्ट्स 15 इयर्स एंड ओल्डर, हियरिंग लॉस ग्रेटर देन 40 डेसिबल्स इन द बेटर हियरिंग ईयर, एंड चिल्ड्रन 0 टू 14 इयर्स ऑफ एज, हियरिंग लॉस ग्रेटर देन 30 डेसिबल इन द बेटर हियरिंग ईयर. इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ सेप्टेम्बर के लास्ट वीक में शुरू होता है और महीने के लास्ट संडे को कंप्लीट होता है. दिस लास्ट संडे इज नोन एज वर्ल्ड डे ऑफ डेफ. ये दिन न केवल अफेक्टेड पीपल और उनकी फैमिली मेंबर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, बल्कि डेफ कम्युनिटी के अचीवमेंट्स और चैलेंजेस की ओर जनरल पब्लिक, पॉलिटिशियंस और डेवलपमेंट अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी मनाया जाता है. मेरी सर्कल में हम वर्ल्ड डे ऑफ डेफ अवेयरनेस डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट. हेलो, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुमित मृग से. डॉक्टर सुमित मृग मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में एक प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड हेड ENT एंड कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन के रूप में कार्यरत है. He has done treatment of deafness in pediatric and adult population through cochlear implants, Baha implants and bone bridge devices. Surgery for snoring and sleep apnea disorder and treatment of vertigo disorders. He is one of the youngest cochlear implant surgeons in India and Asia. He has become first Indian surgeon to start independent cochlear implant program in Africa. We are very delighted and privileged to have you here with us tonight on Dr. Speak at MediCircle. Welcome to MediCircle, Dr. Sumit Mrig. Thank you, Raju. Thank you very much. So, इस स्वागत के साथ मैं अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ती हूँ और मेरा पहला प्रश्न आपसे बहुत ही आसान सा है हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए कि मैं अपने कानों को साफ रखने के लिए क्या कर सकता हूँ, जो नॉर्मल प्रश्न लोग आपसे करते हैं. देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है और इसको लेके डेली बहुत सारे मरीज हमें ओपीडी में दिखाते हैं. अक्सर तौर पे मैंने देखा है कि लोग अपने घर में नहाने के बाद ईयरबड्स का बहुत प्रयोग करते हैं, पढ़ते वक्त कान के पेन का ढक्कन, कुछ सुई, गाड़ी की चाबी और कुछ भी अपने कान में डाल के कान क्लीन करने की कोशिश करते हैं. ये सब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज कान जो है एक सेंसरी ऑर्गन है जो आपको ध्वनि को पकड़ने की एक प्लेस देता है. आप अगर अपने कान में कुछ भी डालेंगे तो उसकी जो नाजुक त्वचा है, अंदर स्किन है, उसको आप चोट पहुंचा सकते हैं. जी. और उसके चोट पहुंचाने की वजह से कई बार कान में पर्दे में सुराख भी हो सकता है. कान में जो सेंसिटिव स्किन लाइनिंग होती है उसमें जख्म हो सकता है, जिसकी वजह से सूजन आ सकती है. तो कान को साफ रखने का बहुत सिंपल उपाय है कि साल में दो बार आप ENT विशेषज्ञ को दिखाएं, नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाएं. कान में कुछ स्पेशल ड्रॉप्स आती हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा वैक्स बनती है तो उसको सॉफ्ट करके निकाला जा सकता है, सक्शन किया जा सकता है. पर खुद कभी इसको निकालने की चेष्टा नहीं करें, क्योंकि हम खुद से ये नहीं जान पाते कि कितना गहरा हमें अंदर जाना है और कई बार इससे बहुत चोट पहुंच सकती है. दूसरी बात, बहुत लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं. ईयरबड्स यूज करने का फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप बड यूज करते हैं और कान में डालते हैं तो ईयरबड जो है वो आपको वैक्स को और अंदर ले जाता है, उससे आपको फायदा नहीं होता. तो सिंपल है, ENT सर्जन को मिले, ईयर ड्रॉप्स डाल के उसको सॉफ्ट करें और उसको सक्शन क्लीनिंग कराएं. कुछ लोगों को साल में एक बार क्लीन कराने की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को चार पांच बार भी क्लीन कराने की जरूरत पड़ती है. वो डिपेंड करता है कि उनके कान में वैक्स कितनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है. दूसरी चीज, आप देखेंगे हमारे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ये जो प्रथा है कि सरसों का तेल गरम करके उसमें लहसुन प्याज डाल के लोग कानों में डाल देते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं, चिकनाई ही पैदा होती है और वैक्स और डर्ट एक्यूमुलेट होती है. और कई बार अगर कान के पर्दे में सुराख है तो ये गर्म तेल कान के अंदर मिडिल ईयर में जाके नुकसान भी पहुंचा सकता है. ऑलराइट, तो ये तो बहुत ही आपने गंभीर जो चीजें हो सकती हैं उनको बहुत ही वक्त पे पकड़ने की आपने चेष्टा की है, क्योंकि जैसा आपने बताया एक्चुअली ऐसी बहुत ही सिली चीजों को हम लोगों को यूज करते हुए देखते हैं और आश्चर्य होता है कि उन्हें कोई भय नहीं होता ये पर्दा फट सकता है. मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे कि ईयर डिस्चार्ज क्या है और इससे कैसे डील करें. देखिए,
जो हमारे कान का आकार है वो तीन भाग में डिवाइडेड है, यानी कि एक है एक्सटर्नल ईयर, एक है मिडल ईयर और एक है इनर ईयर। इन तीनों का अपना अपना एक रोल है जिसके लिए भगवान ने कान हमको दिए। कान में मवाद आना यानी कि डिस्चार्ज आना एक बहुत ही गंभीर लक्षण हो सकता है। यह लक्षण आपके एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन से लेके जैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना, फरंकुलोसिस, कान में एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन का पैदा होना या कान के पर्दे में सुराख होना, मिडल ईयर में इन्फेक्शन होना, हड्डी का गलना या फिर कान में गंभीर बीमारी जहां पे जिसको हम कोलेस्टोटोमा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कान जो मिडल ईयर है वो एक्सटर्नल वातावरण से सेपरेट होता है, यानी कि उसमें एक ही पर्दा होता है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये मेम्ब्रेन आमतौर पे पेशेंट की इंटैक्ट होती है, यानी कि ये बिल्कुल एक टेंट की तरह होती है जिसकी वजह से मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर अलग अलग रहते हैं। बट अगर इस कान के पर्दे में सुराख हो जाए किसी इंफेक्शन की वजह से या चोट की वजह से या बीमारी की वजह से, तो मिडल ईयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज रहता है। एक्सपोजर की वजह से धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, पानी, ये सब आपके कान के अंदर जा सकता है जो इन्फेक्ट होके डिस्चार्ज का रूप ले सकता है। ये डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है अगर ये स्पेशली हड्डी को गलाने वाला है, और कई बार नजले जुकाम के साथ इसका काफी संबंध होता है। जिन लोगों को एलर्जी की बहुत समस्या रहती है, हर बार मौसम बदलने पे इन्फेक्शन नाक और गले से यूस्टेशियन ट्यूब द्वारा कान के मिडिल ईयर में पहुंच जाता है, और क्योंकि वहां पे सुराख होता है तो ये इन्फेक्शन प्रोफ्यूज डिस्चार्ज बनके कान से बाहर बहने लगता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप ईएनटी सर्जन से मिले, अपने कान की जांच कराएं। कई बार इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है कि कई बार ब्लड मिक्स यानी कि खून भी उसमें आने लगता है, जो एक काफी गंभीर लक्षण हो सकता है जिसमें आपको तुरंत एक ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए, अपने कान की जांच करानी चाहिए और एक सीटी स्कैन की भी कई बार इसमें जरूरत पड़ती है। और अगर कान के पर्दे में सुराख है तो उसका ऑपरेशन कान के पर्दे के रिपेयर द्वारा किया जा सकता है। अगर हड्डी गल रही है तो उस हड्डी को ड्रिल करके निकाला जा सकता है और इस पर्दे को हमेशा के लिए क्लोज किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये आपने काफी जानकारी जो हमें दी है वो काफी इम्पोर्टेंट है कि अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको अपने अराउंड दिखते हैं, अपने आसपास परिवार में हो या स्वयं के साथ हो, तो सबसे पहले स्पेशलिस्ट को अप्रोच करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि समय रहते वो शायद इसे बेहतर तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। तो हमारे दर्शकों को जो मेरी सर्कल पे हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि ये काम की बातें आप इसलिए सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्योंकि हमारे पेज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इमीडिएटली और ये जानकारी आगे भी सुनते रह सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे कि हियरिंग लॉस को रोकने के लिए कुछ टिप्स बताइए आप। देखिए, जैसा कि आपने कुछ आंकड़ों का पेश किए जो WHO ने बताया कि लगभग इतनी तेजी से हेयरिंग लॉस बढ़ रहा है, और खाली हमारे देश में ही वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आप देखिए, आज के समय में स्पेशली इस कोविड लॉकडाउन में पिछले 2 साल में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, हम भी ये मीटिंग ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कोई फिजिकल मीटिंग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली चीज है नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। ईयरफोन्स, हेडफोन्स, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, लाउड म्यूजिक, पार्टीज, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, रोड ट्रैफिक, इसके अलावा इंजन्स का शोर, एरोप्लेन्स का शोर। आज की जो नई पीढ़ी है अगर आप देखें तो हर आदमी अपने कान में ब्लूटूथ डिवाइस और हेडफोन्स लगा के चलता है। कहीं ना कहीं बहुत तेज और हाई वॉल्यूम पे साउंड को सुनता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है। नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस मैं मानूंगा कि आने वाले 10 साल में इतनी तेजी से बढ़ जाएगा कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कोविड के दौरान, पोस्ट कोविड इन्फेक्शन भी, वायरल इन्फेक्शन के दौरान भी हमने इतने पेशेंट देखे जिनको वायरल फीवर की वजह से भी हेयरिंग लॉस हुआ। तो अगर आपको अपने घरों में लगता है कि आपके साथ आपका कोई घर का मेंबर है जो टीवी की वॉल्यूम तेज करता है, रेडियो की वॉल्यूम तेज करता है, उसको कान से मवाद आता है,
या उसको फोन पे बात करते वक्त शब्दों की आकार समझ में नहीं आता है, तो ये हेयरिंग लॉस के लक्षण हो सकते हैं। और ऐसे में इसको नजरअंदाज ना करें, अपने ENT सर्जन के पास जाएं और एक सुनाई की जांच, जिसको हम ऑडियोमेट्री बोलते हैं, उसको कराएं, और सही टाइम पे अगर इसको डायग्नोस किया जाए तो सुनाई हेयरिंग लॉस को बचाया जा सकता है, नॉइस पोल्यूशन से बचाया जा सकता है, दवाइयों से उसको क्योर किया जा सकता है, हेयरिंग एड का टाइमली यूज करके इसको क्योर किया जा सकता है, स्पेशली ओल्ड एज में। मैं ये अपने सब जो हमारे बुजुर्ग आयु के हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस, जिसको हम प्रेस बाइक्यूसिस भी कहते हैं, उसमें मैंने देखा है कि अक्सर लोग घर पे बैठे रहते हैं, वो ये इस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं देते और फाइनली डॉक्टर के पास तब आते हैं जब वो हेयरिंग लॉस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका इलाज नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका इलाज हेयरिंग एड द्वारा नहीं हो सकता। तो इस चीज को नजरअंदाज नहीं करें। जैसे हम अपने ब्लड टेस्ट हर साल कराते हैं, 60 साल से ऊपर के लोगों को मैं कहूंगा कि हर साल अपना एक ईयर चेकअप कराएं, जैसे आप अपनी आई चेकअप कराते हैं, अपने कान के चेकअप में वैक्स क्लीनिंग कराएं, हेयरिंग चेकअप कराएं और देखें कि आपका हेयरिंग लॉस बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है और इसको कहाँ रोकथाम किया जा सकता है। जी, बहुत ही सही सलाह दी आपने, और सही वक्त पे किसी बीमारी को लेकर के डॉक्टर तक पहुंचना एक समझदारी का लक्षण होता है, आप उसको सही समय पर सीमित करा जा सकता है उस बीमारी को, तो लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस चीज में। आपने बहुत ही अच्छी बात कही डॉक्टर साहब, आपने यू जस्ट मेंशन कि कोविड के टाइम पे बच्चों का और मतलब एक ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों ने सबने बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहा है लोगों को, तो ये बच्चों में भी एक बहुत साधारण सी समस्या आ रही है कि वो लगातार जो इतने घंटे नॉन स्टॉप ऑनलाइन जो क्लासेस कर रहे थे, उसके बाद मैक्सिमम बच्चों को हम लोगों ने देखा है कि वो कम सुनाई दे रहा है या सीटी बजती सी है कान में, ये कमजोरी काफी बच्चों से सुनने को मिलती है। जी देखिए, सीटी का बजना यानी कि जिसको हम ये टिनिटिस बोलते हैं, टिनिटिस एक ध्वनि है जो इनर ईयर से प्रोड्यूस होती है। इसके कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कान के पर्दे के पीछे पानी का जमना, कान में सुराख होना, इन्फेक्शन होना, बट अक्सर तौर पे जो टिनिटिस है वो सेंसरी न्यूरल लॉस का लक्षण होता है, यानी कि जब आपकी सुनाई की नस कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो आपका कॉकलिया है, जो आपका मेन ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, उसमें हेयर सेल्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप नॉइज एक्सपोजर हर रोज करीबन 85 डेसिबल से ज्यादा है और करीबन 7 से 8 घंटे आपका रोज एक्सपोजर है, तो आपको ये ध्वनि प्रोड्यूस हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इससे नॉइज एक्सपोजर को दूर किया जाए। आपको एक ऐसी जगह में या आपने आपको अपने कार्यक्रम में ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा कि आप शोर शराबे में ना रहें, आप बहुत ज्यादा हेडफोन्स का इस्तेमाल ना करें, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको दवाइयों या ऑपरेशन द्वारा ट्रीट कराएं। टिनिटिस जो है बहुत मुश्किल बीमारी है ट्रीट करने के लिए, क्योंकि एक बार नस कमजोर हो जाती है तो उसको वापस ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है, और मरीज को कई बार इस ध्वनि के साथ हमेशा के लिए जीना पड़ता है, बट अर्ली स्टेजेस में इसको ट्रीट किया जा सकता है। ऑलराइट, अच्छा एक और दूसरी परेशानी होती है काफी बच्चों में, हम लोगों ने ये देखा है कि लगातार कई तरीके से जो बच्चे स्कूल में रहते हैं बहुत ज्यादा लाउड नॉइज सुनते हैं या हल्ले के बीच में रहते हैं, उसके बाद उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि दे गेट वेरी सेंसिटिव टू एनी लाउड नॉइज, तो उसके बाद बच्चे में एक चिड़चिड़ापन आने लगता है कि वो जरा से भी कोई ऊंची आवाज में बोलता है तो उसको अचानक से बहुत चुभती है, तो इस प्रॉब्लम को भी डील करने के लिए क्या करें डॉक्टर साहब ये बच्चे? देखिए, जैसा कि आपने बताया, जो सेंसिटिविटी टू साउंड है, जैसे सपोज करिए कि हम दो लोग एक कमरे में बैठे हैं और ये टेलीविजन चल रहा है, आप 8 नंबर के लेवल ऑफ साउंड पे कंफर्टेबल हैं, बट वही ध्वनि मेरे को बहुत ज्यादा चुभ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे कॉकलिया में रिक्रूटमेंट हो रही है, यानी कि जो साउंड आपको ठीक महसूस हो रही है वही मेरे को एम्पलीफाई होकर बहुत तेज लग रही है, तो ये कहीं ना कहीं है कॉकलियर हियरिंग लॉस के, और एम्पलीफिकेशन और जो ये रिक्रूटमेंट होती है ये अगेन से एक लक्षण होता है कि कहीं ना कहीं हमने पिछले कुछ सालों में नॉइस पोल्यूशन को लेके हमने ध्यान नहीं दिया है। फिर से मैं बोलूंगा कि तेज वॉल्यूम पे टीवी हेडफोन्स ना लगाएं, रॉक म्यूजिक और बहुत हाई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नहीं सुने, और इन सब ध्यान रखें, और कई बार इसके लिए हम पेशेंट्स को ईयर मफ्स यानी कि नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स या कॉटन में ईयर प्लग्स का भी एडवाइस करते हैं, जैसे ड्रिलिंग की साइट्स हो गई, डिस्को म्यूजिक हो गया, कहीं ढोल बज रहे हैं, तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए।
और हर पेशेंट की अपनी एक सेंसिटिविटी होती है, कुछ लोग आदि हो जाते हैं बहुत तेज नॉइज में जीने के लिए और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो कहीं ना कहीं ये नॉइज इंड्यूस से ही रिलेटेड है सब कुछ। I'm sure ये प्रायः भारत में ही ये समस्या ज्यादा देखी जाती है कि यहाँ किसी को भी accumulated sound pollution जो हो रहा होता है, कई सारी चीजों के एक साथ जो ध्वनि हम लोग सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग इससे प्रभावित नहीं होते, इतने used to हो गए हैं रोजमर्रा में कि उन्हें ये समझ नहीं आता है कि हम लोग actually how much we are exposed to sound pollution। तो That's right. बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अगर ऐसा कोई फील करता है तो उसे इमीडिएट डॉक्टर को सीख करना चाहिए। मेरा अंतिम प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे है कि कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस के कॉजेस क्या है, देयर आर सपोज्ड टू बी वेरियस कॉजेस ऑफ इट, सो ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। देखिए हमारे देश में हर साल करीबन 25,000 से 30,000 बच्चे जन्म से गूंगे बहरे पैदा होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो जब जन्म लेते हैं तो इनका जो मेन ऑर्गन ऑफ हियरिंग कॉकलिया है वो काम नहीं करता, जिसको हम कॉकलियर हेयरिंग लॉस या कॉन्जेनाइटल हेयरिंग लॉस बोलते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि इसका सबसे प्रमुख कारण है जेनेटिक। अगर आप देखें तो हमारे देश में आज भी कंसैंग्विनस मैरिजेस बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें रिश्तेदारी में शादी हो जाती है। हमारी बॉडी में जैसे फीमेल में XX जीन्स होता है और मेल में XY पैटर्न जीन होता है, तो बहुत सारी जेनेटिक डिजीज होती है जिसमें ये जो एक रिसेसिव जीन होता है, ये जब शादी के बाद जब बच्चा पैदा होता है या माँ के पेट में होता है तो ये जीन जो रिसेसिव होता है वो दोनों पेरेंट्स से आ जाता है और ये डोमिनेंट हो जाता है। ये जीन जो होता है वो कॉकलिया की फॉर्मेशन, कॉकलिया को नॉन फंक्शनल कर देता है और इसमें कॉकलियर हेयरिंग लॉस होता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल्स को फीवर हो जाए या उनको इन्फेक्शन हो जाए, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन हो जाए, टॉर्च इन्फेक्शन जो होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए, आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में 80% से 90% जो डिलीवरीज हैं वो मिडवाइफरी या गांव में होती हैं, दाई से करवाते हैं जी। यस, वो दाई से कराते हैं, वो हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आती हैं और सही टाइम पे टीके नहीं लगवाती हैं, और उसके अलावा कई बार वो ऐसी दवाइयों का सेवन कर लेती हैं जो गर्भवती औरत को सेवन नहीं करनी चाहिए जी। बिल्कुल, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं बच्चे के कान की डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, और अक्सर ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको कॉन्जेनाइटल हेयरिंग लॉस होता है। ये जो एक नंबर है कॉन्जेनाइटल हेयरिंग लॉस का, ये बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें वो बच्चे जो नॉर्मल जन्म लेते हैं बट पैदा होने के बाद उनको और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यानी कि कफ, कोल्ड इन्फेक्शन, वायरल फीवर, मम्स, मीजल्स, रुबेला, वैक्सीनेशन नहीं हुई, इसके अलावा ईयर डिस्चार्जेस हुए, इतना ईयर इतना कान बहा कि उसने इनर ईयर को भी खराब कर दिया, और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए जाते हैं जो कि ब्लड संक्रमित होता है, जॉन्डिस पैदा होने के बाद कई दिन तक रहता है जो कंट्रोल नहीं होता, उसके ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इसके अलावा दिमागी बुखार जिसको हम मेनिनजाइटिस बोलते हैं, मेनिनजाइटिस बहुत एक्सटेंसिव इन्फेक्शन होता है जो ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है और साथ साथ कान की नस को भी खत्म कर देता है। तो ये सब कारण मिला के कॉन्जिनेटल और एक्वायर्ड, आप ये मानिए कि हम लगभग एक साल में हर साल हमारे देश में 1 से 1.5 लाख या 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अपनी सुनाई किसी ना किसी प्रकार में खो देते हैं, और इसका इलाज संभव है। आज के आधुनिक दौर में मैं बहुत प्राउडली ये कह सकता हूँ कि हमारा देश सबसे प्रतिभाशील देश है। करीबन 5,000 से 6,000 कॉकलियर इम्प्लांट हमारे देश में हर साल किए जाते हैं गूंगे बहरे बच्चों के इलाज के लिए, और ये एक सिंपल सर्जरी है जो कान की सर्जरी है, जिसमें एक कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी, एक इम्प्लांट आपके कान में डाला जाता है और एक प्रोसेसर आपके कान के बाहर लगता है जैसा हेयरिंग एड होता है, और पेशेंट वापस अपनी ध्वनि को कैच कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है और वो साउंड बन के ब्रेन तक जाती है। ये बच्चे जो कॉन्जेनाइटल डेफ होते हैं उनका इलाज कॉकलियर इम्प्लांट द्वारा किया जा सकता है, जो 11 महीने के उपरांत ऑपरेशन किया जा सकता है, और इसमें करीबन 6 महीने या साल तक स्पीच थेरेपी या EVT थेरेपी चलती है, और इस ऑपरेशन के बाद ये बच्चे नॉर्मल स्कूल जाते हैं, नॉर्मल सोसाइटी में पढ़ते हैं और इनको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं रहती। बट इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में कि हर बच्चे का जन्म पे एक ऑटो अकूस्टिक एमिशन, यानी कि एक टेस्ट है
जो सिंपल एक टेस्ट एट बर्थ किया जा सकता है जिससे हम कॉन्जिनेटल हेयरिंग लॉस को एट बर्थ डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको एट बर्थ डायग्नोज करें और जल्द से जल्द उस बच्चे का इलाज करें। जितनी जल्दी ऑपरेशन किया जाता है उतने ही अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं, और जितना लेट इसका ऑपरेशन किया जाता है बच्चे को कई बार सुनाई तो आ जाती है बट उसकी स्पीच अच्छी नहीं हो पाती, यानी कि स्पीच साफ नहीं हो पाती, तो इसका भी इलाज संभव है। और इससे भी ज्यादा जरूरी अगर हम इसको देखें और हम इसकी जड़ में जाएं, तो अगर हमारे गर्भवती महिला जो हमारे यहाँ हैं, अगर वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपना ध्यान रखें, अपने आप को रजिस्टर कराएं हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में, तो ये गर्भ के दौरान इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जा सकता है। देखिए, जो जेनेटिक है उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जो कंसैंग्विनस मैरिजेज रिश्तेदारी में होती हैं, बट एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ हेयरिंग लॉस जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। All right, thank you so much, doctor, for coming on our show. और आपने इतनी जानकारी जो आज हम लोग को दी है, अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया है एट मेडिस सर्कल, उसके लिए हम वाकई आपके लिए आभारी हैं। और आपने इतना वक्त दिया वाकई, जिसमें बहुत ही सारी काम की चीजों को आपने बहुत ही कम समय में समेट लिया। तो मैं चाहूंगी कि इस डे ऑफ डेथ पर ये मैसेज आपके थ्रू जाए लोगों में कि जिन चीजों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिन चीजों को रोक सकते हैं, स्पेशली आपने जो बात बताई कि जन्म के समय ही अगर बच्चों का सही टेस्ट हो सके तो हम बहुत से बच्चों को इस नेमत जो मिलती है उन्हें सुनने की, और जिससे उनकी बोलने की क्षमता भी निखार पाती है, उस चीज को हम संभाल सकते हैं सही वक्त पर। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित, इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू ऑन दिस शो। थैंक यू सर। Thank you. Bye-bye.